हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। आज की जो वीडियो है उस पर मैं शेयर करने वाली हूँ एक फेस पैक के, और वो फेस पैक होने वाले है पपीता के फेस पैक। यस, पपीता को तो हम सब जानते हैं, पपीता कच्चे हो या फिर पके हुए हो, हमें खाना बहुत पसंद करते हैं, और पपीता के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। तो पपीता को हम एज अ स्क्रीन पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में हमने देखे ही होंगे कि मार्केट में पपीता के फेस पैक, स्क्रब, फेस वॉश और क्रीम जो है मिल जाते हैं, लेकिन हमें मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर पे पपीता के फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, और आज मैं आप लोगों को पपीता के फेस पैक कैसे आप घर पे बना के यूज़ कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे कि पपीता में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन होते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उसलिए मैं आज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ पपीता के फेस पैक आप कैसे बना सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो, इसके फायदे आप ले सकते हो। तो चलो देख लेते हैं पपीता के फेस पैक को हम घर पे कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पपीता लिया है, यहाँ पर पके हुए पपीता मैंने लिया है, और इस पपीता को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और फिर मैं इसका एक थीक पेस्ट में इसका बना लूँगी। इसका पेस्ट मैंने बना लिया है, और फिर मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ रॉ मिल्क। कच्चा दूध मैंने इसके साथ ऐड किया है, 3 टेबल स्पून कच्चा दूध। फिर मैं इसके साथ ऐड करूँगी हनी, 1 टेबल स्पून हनी मैं इसके साथ ऐड करूँगी, और सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ पर जो फेस पैक है मेरी बन के रेडी है, मैं अभी इसके साथ और कुछ ऐड नहीं करूँगी। तो चलो मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे फेस पे अप्लाई करनी होगी। तो जब फेस पे अप्लाई करूँगी तो फेस अच्छी तरह से क्लीन होनी चाहिए, और क्लीन फेस पे एक अच्छे से थिक लेयर लगा लेनी है पपीता के, और फिर इसे 15 मिनट के लगा रहने दे। 15 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से, पानी से वॉश कर लेनी है। पपीता जो है स्किन में जो दाग धब्बे होते हैं, झुर्रियाँ होती है, उन सबको हटाते हैं, स्किन में एक लचीलापन लाते हैं। रॉ मिल्क जो है, ऐसे भी कच्चा दूध एक नेचुरल क्लिंजर का काम करते हैं। साथ में हनी जो मैंने इसके साथ ऐड किया है, हनी स्किन में एक ग्लो लाते हैं, जो भी स्किन में दाग धब्बे होते हो उन सबको हटाते हैं। तो इन सब बेनिफिट्स होते हैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के। इस फेस पैक को आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से एक नेचुरल ग्लो लाते हैं फेस पे। अगर किसी के स्किन पे ये फेस पैक सूट नहीं करते हैं तो आप इसे यूज़ मत कीजिएगा। यूज़ करने से पहले आप फेस में एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा है ठीक वैसे आपको पपीता के फेस पैक घर पे बनाना है और यूज़ करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फेस पैक को बनाओगे तो फ्रेश बना के ही यूज़ करें, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेंगे आपको। और इस तरीके से आप हफ्ते में एक दिन ट्राई कर सकते हो, या फिर जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पर आप इसे लगा सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के वीडियो या फिर किसी भी चीज़ पर आप वीडियो चाहते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।